भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर भाजपा युवा मोर्चा के अध्यक्ष जीत हेमचंद यादव के नेतृत्व में रक्तदान का आयोजन किया गया। इस अवसर पर दुर्ग जिला अस्पताल में पहुंचे सभी पदाधिकारी और कार्यकर्ता। देश के प्रधानमंत्री और भाजपा सरकार के जन नेता नरेंद्र मोदी के जन्म दिन पर दुर्ग भाजपा युवा मोर्चा के अध्यक्ष जीत हेमचंद यादव के नेतृत्व में रविवार को दुर्ग जिला अस्पताल के ब्लड बैंक में रक्तदान शिविर आयोजित किया गया। इस अवसर पर पहुंचे जीत हेमचंद यादव ने पहले अस्पताल परिसर स्थित मंदिर में प्रधानमंत्री की दीर्घायु आयु की कामना करते हुए पूजा अर्चना की और अपने युवा साथियों के साथ ब्लड बैंक पहुंचकर रक्तदान किया। इस अवसर पर भाजपा जिला अध्यक्ष जितेंद्र वर्मा, चतुर्भुज राठी सहित बड़ी संख्या में भाजपा और युवा मोर्चा के कार्यकर्ता शामिल हुए। इस अवसर पर जीत हेमचंद यादव ने कहा कि नए भारत के शिल्पकार मोदी जी ने हमारे देश की प्राचीन विरासत के आधार पर एक भव्य और आत्मनिर्भर भारत की मजबूत नींव रखने का काम किया है। चाहे संगठन हो या सरकार, मोदी जी ने हम सभी को सदैव राष्ट्रहित सर्वोपरि की प्रेरणा मिलती है। ऐसे अद्वितीय नेता के मार्गदर्शन में देश सेवा का अवसर मिलना मेरे लिए सौभाग्य की बात है। आज भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री, जो भारत को विश्व में पहचान दिलाने वाले, भारत का डंका बजाने वाले पूरे विश्व में आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी का जो जन्म दिवस है, उसके उपलक्ष्य में आज हम भारतीय जनता युवा मोर्चा आज रक्तदान करने, रक्तदान शिविर में रक्तदान करने आए हैं सभी युवाओं के साथ। और हम मोदी जी के उनके उम्र दीर्घायु हो, ये मैं हम प्रार्थना करते हैं युवा मोर्चा। और मैं सभी युवाओं को भी रक्तदान में आने के लिए प्रेरित करता हूँ। आप सभी आए और रक्तदान करें, क्योंकि आपके रक्तदान से किसी के जीवन दान मिल सकता है किसी को, इसलिए सभी रक्तदान करें। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।